हेलो माइक चेक। कुछ महीने पहले मुझे सनरेवी का मैसेज आया था। वो मुझे 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स के लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा था। उसने उस मैसेज में लिखा था कि इस साल हमारे 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। ये पढ़कर मैंने मजाक में कह दिया कि इस साल हम लोग 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स करेंगे, पर ये मजाक मेरे लिए एक चैलेंज बन गया था। आई डोंट नो कैसे, पर हमने एक्चुअली 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दिए। जब ये साल गुड ओके मैं मास्क पहन लूँ क्या? मस्त है ना एकदम। तो जब ये साल चालू हुआ था तब मेरे कुछ 8 लाख सब्सक्राइबर्स थे और साल के एंड में 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स। आई थिंक 2020 मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट साल था। जो भी मुझे चाहिए था, जो सपने मैंने देखे थे, लाइक ये मेरा वॉलपेपर है, वो क्यूट बच्चा मैं हूँ, इसको हमेशा से फेमस होना था। जब मैं स्कूल में था, कॉलेज में था, तब से मुझे कभी भाव नहीं मिला था, किसी ने मुझे भाव नहीं दिया था। पर अभी इतनी बड़ी पैटीज की आर्मी हो गई है, जब मैं बाहर जाता हूँ लोग मुझे मिलते हैं, थोड़ा थोड़ा मैं फेमस बन गया हूँ। सो अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये वॉलपेपर रखा है। ये मुझे याद दिलाता है कि इसका सपना था फेमस होना और मुझे वो सपना पूरा करना है। इतनी सारी चीजें हुई पिछली साल पूरा 2020 चला गया, लेकिन मैं हिंदी ठीक से सीखा नहीं। यू नो, मैं हमेशा सोचता था कि मुझे एक बार बस टीवी पे आना है, चाहे वो 5 सेकंड के लिए क्यों ना हो। वो सपना इस साल पूरा हो गया। मैं इस साल यूट्यूब स्ट्रीमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुआ था। मैंने सर कैरी मिनाटी, तन्मय भट्ट, जाकिर खान, आशीष चंचलानी, अभिषेक बच्चन, ये सबके साथ मैंने कुछ वीडियोस किए। हाय हाय, जस्ट बिफोर वी स्टार्ट आई वांट यू बोथ टू नो वी नो वेयर यू लिव। इवन आई नो वेयर यू लिव। जिन लोगों को मैं 3-4 सालों से फॉलो कर रहा था, उन लोगों के साथ आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये कैसे हुआ मुझे मालूम नहीं। 2017 में रस्ते पे चलते चलते मैं बियर बाइसेप से मिला था। मेरे हाथ तभी कांप रहे थे। मैं बियर बाइसेप का बहुत बड़ा फैन था, उसके पॉडकास्ट में बहुत टाइम से देखते आ रहा हूँ, और मैं हमेशा सोचता था कि क्या मैं कभी बियर बाइसेप के पॉडकास्ट में जा पाऊंगा, और वो सपना भी पूरा हो गया। जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था ना, यानी कि 2013 में, तब मैं क्वेबल कॉप को देखता था। मेरा सबसे फेवरेट यूट्यूबर था क्वेबल कॉप। मैं दिन भर उसके वीडियोज का इंतजार करता था, उसको देखता था, लाइक मैं उसका बहुत बड़ा फैन था। तभी मैंने सोचा नहीं था कि 2020 में क्वेबल कॉप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने लगेगा। इतने क्रेजी चीजें हुई है ना, हमारे चैनल पे 1 बिलियन व्यूज कंप्लीट हुए, 100 करोड़ व्यूज। अमिताभ बच्चन जीतने वाला है। हम लोग इस साल YouTube के टॉप ब्रेकआउट क्रिएटर्स में आए थे। इतनी एपिक चीजें हुई ना इस साल, इसलिए थैंक यू सो मच। हाँ, तुम लोग ने जो सपोर्ट दिखाया ना भाई, कड़क सपोर्ट दिखाया भाई। आई नो मैं वीडियो बहुत स्लोली डालता हूँ, मैंने कुछ वीडियो शूट किए नहीं। चीख मत नहीं चीखा। मैं बहुत चीख रहा हूँ, मेरा एसी भी चालू है, डोंट वरी, कुछ हुआ नहीं है मुझे। मैं हूं न्योन मैन और आज हम बात करने वाले मिथपैट के बारे में। तो रिसेंटली एक खबर में पता चला है कि मिथपैट को हो चुका है कोरोना। मैं जाता हूँ जल्दी, मैं नाक कटने वाला हूँ आज। आई नो मैं बहुत कम वीडियोस डालता हूँ, लेकिन मैं और वीडियोस डालूंगा। बहुत अच्छे वीडियोस आने वाले चैनल पे। 2021 का सबसे बड़ा वीडियो, यूट्यूब इंडिया का सबसे बड़ा वीडियो मैं बनाऊंगा। अगर मैं चीखना कम करूं तो मुझे तुम सब लोग के आशीर्वाद की जरूरत है। आशीर्वाद रहे। बाय द वे, नीचे कमेंट्स में लिखना तुम लोग का न्यू ईयर रेजोल्यूशन, मैं भी मेरा लिखने वाला हूँ, तो देखते तुम्हारा क्या होने वाला है। और अभी मैं चलता हूँ और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।